हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे साथ एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइज, आज की वीडियो या आज का एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट है हमारे साथ करने वाले हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अलग वाला एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों, आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप सभी ने चाय तो पी होगी, तो पीते हो, मैं भी पीता हूँ, आप सभी भी पीते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब चाय पीते होंगे। तो चाय पीते हो तो चाय बनाते किसमें है? चाय बनाते हैं इसमें, ऐसी भगोनी के अंदर, ऐसी भगोनी के अंदर चाय बनती है। ऐसे भगोनी या किस स्टील या लोहे, स्टील या सिल्वर, ऐसा पीतल, ऐसे बर्तनों में बनती है चाय। तो गाइज, हम क्या करेंगे आज, इस बर्तनों की बजाय हम बनाएंगे चाय। चाय तो बनाएंगे और पियेंगे भी सही, लेकिन चाय बनाने का तरीका हमारा कुछ अलग है। तो आज हम इसको रख दे साइड में, आज हम यही ट्राई करेंगे कि चाय जिस चीज़ में हम बना रहे हैं वो उसमें बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो गाइज, हम आपको बता दें कि हम किसके अंदर चाय बनाने वाले हैं और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम ये बता दें कि हम इस पॉलीथीन के अंदर चाय बना के चेक करेंगे कि इसके अंदर चाय बनती है या नहीं बनती है। इस स्टील के बर्तनों में इसमें तो बनती तो है, पीते भी हैं और देखा भी है, और इसके अंदर कभी आपने देखा भी नहीं होगा और कभी पी भी नहीं होगी इसकी। और यही टेस्टिंग करने वाले हैं कि इसके अंदर चाय बनेगी या नहीं बनेगी, या स्वाद में कैसी होगी, ये सब करने के बाद ही पता चलेगा। हमने कभी एक्सपेरिमेंट ये किया ही नहीं, आज पहली बार ही कर रहे हैं। तो गाइज, आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। चलो, बनाने के लिए हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो हमें लकड़ियों की, सिंपल सी लकड़ियों की ज़रूरत होगी। ये गोबर है गायों का सूखा वाला, जिसे हम छाने बोलते हैं, ये, और ये कचरा इसे लगाने के लिए, ये लकड़ी है। और हमें चाय बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होगी, इसकी तो ज़रूरत है नहीं हमें। इसके अंदर शक्कर है, इसे रख देते हैं साइड। ये मुग्गा है, इसे छानने के लिए काम आएगा चाय को। इसके अंदर कूट के सामान नाकेंगे, और ये लौंग, काली मिर्चें हैं, ये चन्नी है, ये रहा हमारे पास दूध, जो सरस प्योर दूध है, सरस का थैली आती है वो, इसे रख देते साइड। इसके अंदर है हमारे पास चाय पत्ती, ये कलर का डिब्बा है मगर इसके अंदर चाय पत्ती डाल रखी है बस। और ये धागा जो इस थैली का मुंह बांधने के काम में आएगा, इसको मुंह को पैक करेंगे ताकि ये इसकी गैस बाहर ना निकले। तो गाइज, ये हो रहा है, जब तक जागते जब तक हम क्या करते हैं, इस सामान इसके अंदर डाल देते हैं, इस थैली के अंदर, पॉलीथीन के अंदर सामान डाल के रेडी रखते हैं। तो पहले हम ये डालते हैं लौंग और इलायची, इसके अंदर एक इलायची भी है जो स्वाद में अच्छा होगा, और ये लौंग, काली मिर्च, लौंग और डाल देते हैं एक दो, इन सारे को इसके अंदर कूट के अंदर डाल देते हैं, एक साथ डालेंगे सारा सामान, इसको रख देते हैं साइड में। और इसके अंदर है चाय पत्ती, ये अपने हिसाब से डालते हैं, कोई कड़क ज़्यादा पीता है, मैं कम पीता हूँ कड़क, तो मैं डाल दी कम। और इसके अंदर है शक्कर, शक्कर थोड़ी बहुत, चलो आज का काम तो हो जाएगा। बहुत होगी इतनी शक्कर, तो इसे रख देते हैं सबको साइड में। ये हो गया हमारा सामान, इसको इसके अंदर डाल देते हैं पॉलीथीन के अंदर, पहले सारे को एक साथ। ये देखो दोस्त,
बस खाली है, इसे रख लेते हैं साइड में। अब इसके अंदर डालते हैं दूध। नहीं डायरेक्ट तो डलेगा नहीं, डुलता क्यों है यार। ये हो चुकी है खाली, अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब चाहे इसे इस धागे की मदद से बांध दो या इसे ऐसे करके, तो गाइज हमने इसे बांध दिया है। अब इसके अंदर रखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइज हमें भी ये पता नहीं है कि इसके अंदर चाय बनेगी या नहीं बनेगी, हम फर्स्ट बार कर रहे हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को देखना क्या होगा, पूरी ज़रूर देखना, तब पता चलेगा क्या होगा इसके एक्सपेरिमेंट, ये सक्सेस भी होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। रख देते हैं गाइज 1 2 3। तो गाइस ये इसके अंदर इसे बुझा देते हैं, इसकी वजह से ये लग जाएगी फिर बल, इतनी कुछ भी हो सकता है। हमने इसके अंदर रख तो दिया है, अब देखते हैं ये क्या पता नीचे से फट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है गाइस, हमें पता नहीं है। आइडिया काम भी करेगा या नहीं करेगा, ये आवाज़ तो कर रही है, क्या पता फट गई होगी, तो क्या पता नीचे से। मगर इसकी यहाँ से कम नहीं हुई है, ऐसा कैसा ही है दूध इसके अंदर। तो गाइस कुछ देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होती है, चाय बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो गाइस हमारा आइडिया काम कर चुका है। तो गाइस देखो ये चाय करीबन करीबन 5 मिनट से इसके अंदर पड़ी है और ये देखो उकाल आने लग गई है चाय। ये मैं आपको दिखा दूं, इधर देखो ये देखो गाइस ये करीबन 5 मिनट से उकाल आने लग गई। यहीं पे पड़ी है और ये उकाल आने लग गई है, ये देखो गाइस, और ये चाय बन भी गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब इसे बाहर निकाल देते हैं, ये उकाल आ चुकी है और इसे देखते हैं। फूट गई यार गाइस ये नीचे से एकदम उठाने से। चाय तो बन गई यार गाइस, कुछ भी बोलो, चाय तो इस पॉलिथीन के अंदर सक्सेस, आइडिया तो सक्सेसफुल हो गया अपना।
ये हमारी छन के रेडी हो चुकी है, इसे बाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको जानवर खा सकते हैं चाय की वजह से, इसे इसके अंदर बालते हैं। और ये दूध वाली को भी बालते हैं क्योंकि प्रदूषण प्रदूषण नहीं करना चाहिए इसे, यहाँ प्रदूषण तो होगा इससे, लेकिन ये जानवर जानवरों खा सकते हैं और जानवर को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इसे हम इसके ऊपर बाल देते हैं, जल जाएगी। और ये हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, ये देख लो गाइस आप, कि चाय इतनी स्वाद, दिखने में तो इतनी ज़बरदस्त लग रही है, और कितना दूध डाला था यार गाइस, इसके अंदर कितनी सी चाय बनी है, यानी कि ये छींच चुकी है, ऐसे छींच जाती है ना वो ज़्यादा रखने से, ये देखो गाइस आधा किलो दूध था और इससे इतनी सी चाय बनी है। तो इसे अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कैसी लगती है। तो गाइस हम इस कप के अंदर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कैसी बनी है पॉलिथीन के, स्वाद कैसा है इसका। चाय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाय जैसी लगती इस बर्तन के अंदर बनती है, स्टील स्टील या सिल्वर के अंदर जैसी चाहिए, कोई भी स्वाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाय तो मस्त बनी है यार गाइस, बहुत अच्छी शानदार सी। तो गाइस चाय तो बहुत अच्छी बनी है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ मज़ा आएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, आपका एक सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है, और आपके लिए आप छोटा सा आपके लिए भले ही छोटा सा होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और हमें और वीडियो बनाने के या अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए बहुत अच्छा बहुत काफ़ी कुछ मिलता है उससे, और हम मोटिवेट होते हैं कि हमारे चैनल वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हम और बनाते रहते हैं और बनाने का मन करता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें बनाने का मन नहीं करता है यार। तो गाइज आप इस ऐसा कुछ भी करने की ट्राई ना करें, और करें तो सेफ्टी से करें। तो गाइज हम और मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।